नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। रेशमा डिज़ाइन सोल ब्यूटीफुल चैनल नंबर फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो एक बहुत ही खूबसूरत बैकनेक का डिज़ाइन बनाने वाले हैं, डोरी बनाने वाले हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, काफ़ी ईजी है और बहुत ही अट्रैक्टिव भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सुन सकते होंगे कि चारों तरफ जो है इंडिपेंडेंस डे की वाइब्स चल रही है, तो शायद मेरी वॉइस ना पहुँचे तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी बाद में। तो मैंने सबसे पहले चार डोरियाँ बनाई हैं और ये ट्रायंगल शेप में जो है हमने इस कपड़े को काटा है। ये ट्रायंगल है बट नीचे से थोड़ा सा कर्व किया है हमने इसे, ट्रायंगल है यहाँ से कर्व किया हुआ है। जैसे टोटल मैंने जो है 24 पीस कट किए हैं, हर एक डोरी में हम तीन लगाने वाले हैं। 24 में से 12 पीसेस में हमने ये जो है इस तरह से लेस लगाई है। तो एक लेस मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने लगाई है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये मैंने दो तीन दिन पहले ही ली है, सेकेंड हैंड में ली है। तो इस तरह से दोनों राइट साइड हम अंदर की तरफ फेस करते हुए लेस लगा देंगे। और ये जो करीब है 3 इंच का है इसका लेंथ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरह रखते हुए हम सील लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक डोरी बना के बताऊँगी, इसी तरह से बाकी की तीन भी आपको रेडी करनी है। तो टोटल 12 पीसेस में मैंने, क्योंकि हर एक डोरी में तीन लगने वाला है तो मुझे टोटल 24 चाहिए। 24 में से 12 हम इस तरह से बना कर रख लेंगे, 12 जो है प्लेन होंगे इसे फिनिशिंग देने के लिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले डोरी का नीचे वाला हिस्सा लेना है हमें, इसे हम रेडी कर लेंगे आधा राइट टू राइट फेस करते हुए एक दूसरे को। इस तरफ से इसे मैं सील लूँगी यहाँ से। अंदर डालते हैं, हम यहाँ से भी सील लेंगे। अब इसे हमें कर लेना है सीधा। तो ये सीधा हो गया, सीधा होने के बाद में हमने क्या करना है इसे अंदर की तरफ ही डालते हुए इस तरह से, तो इस तरह अंदर डालते हुए हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे, इसे सील लेंगे। फिर से देखिए इस तरह से अंदर डालते जाना है और ये आगे पीछे से इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। ओके, मतलब जो नीचे का ओपन पार्ट था उसे हम सील रहे हैं इस वक्त। ये हो गई इसकी फिनिशिंग, इसी तरह से बाकी की दो भी लगा लेंगे। तो जो ऊपर का हम लगाएंगे यहाँ ऊपर, तो हमें किस चीज़ का ध्यान देना है, सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए करीब 2.5 इंच है तो हल्का सा गैप इसमें मुझे चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद में हमने दोबारा से
राइट टू राइट साइड अंदर की तरफ फेस करते हुए राइट टू राइट इसे एक तरफ से सील लेंगे हम, यहाँ से या फिर यहाँ से, कोई भी एक तरफ से अच्छी है। तो ये सिल गया, अब इस तरफ से हम डोरी लगाएंगे। तो डोरी को बिल्कुल हमने जहाँ पर मार्किंग की है ये 2.5 इंच की, ये जो ब्लू मार्क आप देख रहे हैं वहाँ पे रखते हुए इस तरह से, ठीक है। तो ये टारा तो फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ पर मैं रखते हुए अब यहाँ पर सिलाई कर लूँगी और फिर से हम सीधा करेंगे। तो ये हो गया सीधा। अब हमें क्या करना है, सिम इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, ओके। इसे भी सीलेंगे, इसी तरफ हमें ध्यान देना है कि इस तरह करते हुए हम ना सिलें एकदम स्ट्रेट रहें, प्लस ये जो हमारी सिलाई है ये सेंटर में आए, क्योंकि जब हम इसे सीलेंगे तो ये डोरी एक जगह पर जो है पक्की हो जाएगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम इसे कहाँ किस तरह रख रहे हैं। अगर आप इस तरह रखकर सील देंगे तो एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा एक तरफ कम हो जाएगा, तो बिल्कुल सेंटर में से रखते हुए और स्ट्रेट लेते हुए आपको यहाँ से सील लेना है। सीते सीते आप भी गाना इंजॉय कीजिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मैं इसे बराबर खींचते हुए और सेंटर में लेकर मैंने इसकी सिलाई की है। मैं साइड से भी इसे सील लूँगी। सेकेंड भी रेडी हो गया, अब सेम इसी तरह से हमें थर्ड रेडी कर लेना है। मैं दोबारा से 2.5 इंच पर मार्किंग करूँगी क्योंकि इतना ही गैप मुझे चाहिए फिर से। यहाँ इस मार्किंग पर रखते हुए जो ब्लू मार्क किया है हमने, इस पर रखते हुए हम दूसरी तरफ सिल लेंगे। Thank you.
तीनों रेडी हो गए हैं, तो जिस तरह से ये तैयार किया है बाकी के तीन भी हम रेडी कर लेंगे। तो डेढ़ डेढ़ इंच के मार्किंग पर देखिए मैंने दोनों डोरियाँ लगा ली है दोनों तरफ से, और बस ये हमारी डोरी रेडी है, कुछ इस तरह से बनकर निकली है ये। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, जा भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।